हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिन से लगातार बारिश, ओलावृष्टि और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। सोमवार को भी राजधानी शिमला बारिश सहित धुंध के आगोश में रहा, जबकि कई हिस्सों में बारिश हुई। रोहतांग पांगी सहित कई हिस्सों में बीते दिन बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते बीते तीन दिनों से हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि देखने को मिली है और आज भी अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।